फ्रेंड्स सबसे पहले मिट्टी तैयार करेंगे मूर्ति बनाने के लिए। मैंने यहाँ पे मिट्टी को लेकर के अच्छे से चलने की मदद से चाल लिया है। देखिए इस प्रकार से भी मिट्टी तैयार हो जाता है बहुत ही इजी तरीके से। बस आपको मिट्टी लेकर उसे चाल कर अच्छे से पानी मिला करके सान लेना है और देखिए ऐसे मिट्टी बन जाएगा। बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया है। दो मिनट में मिट्टी रेडी हो जाएगा। आप भी इसी प्रकार से मिट्टी रेडी करके मूर्ति बना सकते हो। ये बहुत ही आसान है, आप देख सकते हो कितना आसानी से बन गया। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पतला स्लैब ले लिया था मिट्टी का, उसे ऊपर से लगा दिया है और इसके ऊपर हम लोग सिंहासन बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर नॉर्मल बेस बनाया है, आप देख सकते हो। बस थोड़ा सा मिट्टी स्क्वायर शेप में ले करके ऐड कर दिया है ऊपर। अब हम लोग चाकू की मदद से थोड़ा सा बीच का हिस्सा निकाल लेंगे। आप देखिए मैंने जिस तरीके से निकाला मैंने है। मैंने सिंहासन पर कोई डिजाइन नहीं बनाया है, आप चाहो तो बना सकते हो अपने मन से कोई भी आपको जो आता हो। मैंने यहाँ पे सिंपल बनाया है क्योंकि मैं मूर्ति बहुत ही छोटा बना रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा और लास्ट में आपको इसका फाइनल लुक कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। तो फिर देखिए मैंने यहाँ पे सिंहासन बनाने के बाद मिट्टी का बॉडी लिया है ऊपर का, देखिए कुछ इस प्रकार से उसे ऊपर लगा देंगे और पानी लगा के अच्छे से अटैच कर लेंगे सिंहासन से। देखिए अब हम लोग इनका पैर बनाएंगे। तो पैर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लंबा लंबा कॉइल लेकर मिट्टी का, देखिए कुछ इस प्रकार से इसे ऐसा शेप दे करके नीचे लगा देंगे। बस आपको रोल बनाना है, देखिए छोटा सा कितना अच्छा लग रहा है, पैर एकदम ईजी वे में आपका बन जाएगा। और देखिए दूसरा पैर हम लोग इनके दूसरे पैर के अंडर से ले जाएंगे। तो आपको देखिए पैर का चिंता नहीं करना है, बहुत ही आसानी से बस आपको लंबा लंबा रोल लेकर के लगा देना है। देखिए मैंने यहाँ पे ब्रश लगा के अटैच कर दिया था पैरों को बॉडी से। अब हम लोग इनका साइड में सिंहासन के ऊपर तकिया बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे रोल लेकर के मिट्टी का एक छोटा सा गोला लगा दिया है, आप देख सकते हो। थोड़ा सा तकिया पे डिजाइन कर लेंगे कुछ। देखिए फ्रेंड्स आपको इस वीडियो में मेरा थोड़ा भी मेहनत दिखा हो तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं अब से डेली वीडियो अपलोड करता हूँ। देखिए इतना बनने के बाद मैंने बॉडी में साड़ी पहनाया है और पानी लगा कर अच्छे से क्लीन कर लिया है। देखिए आप साड़ी बनाने के लिए सिंपल सा मैंने जिस प्रकार से बताया वैसे कर लोगे आपका साड़ी बन जाएगा। देखिए मैंने कितना आसानी से बनाया है, ऊपर मैंने गर्दन भी लगा लिया था एक स्टिक लगा कर। ये बहुत ही ईजी वे में मैंने आपको साड़ी बनाना सिखा दिया है। अब हम लोग यहाँ पे मोल बन से फेस बनाएंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको ये देखना है मैंने कैसे बनाया तो इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने उसमें ये फेस बनाने को तो नहीं दिखाया है पर मैंने आपको दूसरे मूर्ति से फेस बनाना सिखाया है, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। अब देखिए मैंने यहाँ पर ऊपर बाल लगा दिया है, देख सकते हो फ्रेंड्स। फिर मैंने यहाँ पर साइड से इनका बाल का शेप दे दिया है। देखिए फ्रेंड्स आपके पास टूल ना हो तो आप यहाँ पे नॉर्मल सुई या पिन का भी मदद कर यूज से बना सकते हो। और उनका बाल बनाएंगे, मैंने यहाँ पे घुंघराला बाल बना के दिखाया, तो मैंने यहाँ पे बाल लेके लगा दिया है पतला पतला रोल से, आप देख सकते हो। मैंने यहाँ पे बाल को ऐसे कैसे अटैच किया है बहुत ही आसानी से कि ये अच्छा लग रहा था हमें, तो मैंने यहाँ पे सिंपल बाल बनाया है। अब हम लोग इनका ज्वेलरी बनाएंगे, तो मैंने यहाँ पे नॉर्मली हार लेकर के लगा दिया है, आप देख सकते हो कितना इजी में मैंने आपको ये बनाना सिखाया है। आप अपने मन से भी कोई डिजाइन बना सकते हो हार के लिए। और मैंने यहाँ पे पेन की मदद से ऊपर कुछ डिजाइन दे दिया है हार के ऊपर, आप देख सकते हो। हम लोग सरस्वती माता का वीणा बनाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पे वीणा बनाने के लिए गोला सा मिट्टी लेकर एक स्टिक ऐड कर दिया है और थोड़ा सा ऊपर से मोड़ देंगे। देखिए वीणा बन के रेडी है, हम लोग उनको अटैच कर देंगे। अटैच करने के लिए सिंपली आपको वहाँ पे दबा देना है, आपका अटैच हो जाएगा। हम लोग वीणा के ऊपर थोड़ा सा कुछ डिटेलिंग कर लेंगे। तो देखिए आप अपने मन से डिजाइन भी बना सकते हो। और इनका हाथ बनाने के लिए इसमें मैंने बस थोड़ा सा मिट्टी ऐड कर दिया, इनका हाथ बन गया। आप इस प्रकार से बनाओगे तो आपका हाथ गिर कर टूटेगा भी नहीं। देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे हाथ भी बना दिया है, लंबा लंबा पतला रोल लेकर के उंगलियाँ भी बना लिया था। और उसी प्रकार से मैंने यहाँ पे चूड़ी भी बना दिया है इनका। देखिए आप कंगन बना सकते हो या कोई और शेप का हाथ बना लिया था। अब हम लोग हंस बनाएंगे। हंस बनाने के लिए मैंने देखिए कुछ इस प्रकार से मट्टी लेके बनाया था और इसी के साथ हम लोग का मूर्ति बन के रेडी है, आप देख सकते हो कितना सुंदर मूर्ति बना है।
फ्रेंड्स आप इसका कलरिंग वीडियो नेक्स्ट पार्ट में देखिएगा जो कि मैं कल अपलोड करूंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, लाइक कर दीजिए।